यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 70,000 कर्मचारियों ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं 18 संगठनों ने मिलकर अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। वहीं गंगेव जनपद पंचायत से आई धरना प्रदर्शन की तस्वीरों से ये समझ आता है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगे चलकर यह प्रदर्शन कितना विशाल हो सकता है। संयुक्त मोर्चे के सभी प्रदेश अध्यक्ष महोदय मिले थे, लेकिन संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से हम मिलते आए हैं और संयुक्त मोर्चे ने मांग की थी कि टेबल पे आदेश होना चाहिए। और आदेश की बात तो अलग है, लेकिन गोलमोल बातें से कुछ नहीं होता है। और मांग की थी संगठन ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके और संयुक्त मोर्चे को मिलाइए, लेकिन संयुक्त मोर्चा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को बहुत हल्के में ले रही है सरकार। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कोरोना काल चल रहा था 2 वर्षों से, इसलिए संगठन शांत बैठा था। हमारी मांगे 10 वर्षों से और जायज मांगे है पंचायत विभाग की, चाहे हम पंचायत सचिव की बात करें, हमारे ग्राम रोजगार सहायक की बात करें, हमारे मुख्य कार्यपालिका महोदय की बात करें, हम NRLM के हमारे स्वच्छ भारत मिशन वाले की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर की हम बात करें या नरेगा की हम बात करें, PM आवास की हम बात करें, सभी 18 संगठन के हमारे संगठन एक साथ है। और मध्य प्रदेश सरकार को आज से हम चेतावनी देते हैं कि हम गांधीवादी तरीके से इस जमीनी स्तर पर बैठ के 313 जनपदों में 52 जिलों में मुख्यालय पे बैठ के हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो गांधीवादी तरीके से हटके भी हम उग्र आंदोलन की चेतावनी मध्य प्रदेश सरकार को देते हैं। और सरकार बहुत कम समय में हमारा जो आज पंचायत विभाग में, ये शर्म की बात है, मध्य प्रदेश का एक काला दिवस माना जाएगा कि पूरे मध्य प्रदेश की 00 लेवर मनरेगा की 0 लेवर है और मध्य प्रदेश का पूरा ग्रामीण विकास विभाग ठप है। गांव की जनता परेशान है, गांव की जनता दर दर में आज भटक रही है। मध्य प्रदेश सरकार के लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो अपने AC रूम में बैठे हुए देख रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग एक रीढ़ की हड्डी है, इसको हल्के में ना ले, नहीं तो परिणाम और मध्य प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा और हमारे संगठन की जो जायज मांगे उनको तत्काल पूरा किया जाए। We'll be right back.